विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसका शुभारंभ सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने हरी झंडी दिखाकर किया। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि हर वर्ष हम लोग विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं, जिससे लोगों को जागरूक करने के लिए रैली भी निकाली जाती है, जिससे लोग जागरूक हो सके। उन्होंने कहा, 2 सप्ताह से ज्यादा की खांसी टीबी हो सकती है, इसलिए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। टीबी का इलाज संभव है। टीबी को दूर भगाना और भारत को जिताना है। टीबी मुक्त भारत बनेगा। प्रधानमंत्री का सपना है कि 2025 तक भारत से टीबी को भगाना है, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। पूरे जनपद में सभी सीएससी व पीएससी पर रैली निकाली जा रही है, जिससे लोग जागरूक हो सकें। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को हम लोग जो है वर्ल्ड टीबी डे मनाते हैं और इसकी एक थीम रखी जाती है। इसका पर्पज ये होता है कि समाज में जागरूकता पैदा करना, टीबी के प्रति लोगों में एक उत्साह बने, टीबी को ठीक कर सकते हैं, जैसा कि इस वर्ष की थीम है, यस वी कैन एंड टीबी। और इसी के थीम के साथ हम लोग काम करेंगे। हम इसको कर सकते हैं, टीबी मुक्त भारत बना सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है 2025 तक टीबी मुक्त भारत का सपना है, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने इस तैयारी को किया है। और आज ये हमारी जगह जगह रैलियां निकल रही हैं, तमाम गोष्ठियां हो रही हैं, तमाम प्रकार की प्रतियोगिताएं कर रहे हैं। और टीबी के उपचार के लिए 2 सप्ताह से अधिक की खांसी अगर किसी को है तो वो अपने बलगम की जांच कराए और निःशुल्क उपचार प्राप्त करे, इसी उद्देश्य मूल भावना से हम लोगों ने इस रैली का आयोजन किया है। मैं 3 शब्द कहूँगा, 2 सप्ताह से अधिक की खांसी टीबी हो सकती है, बलगम की जांच कराएं, निशुल्क दवा और जांच सब कुछ सरकारी संस्थानों में उपलब्ध है। अगर आप अपने प्राइवेट चिकित्सक पर भी विश्वास करते हैं तो भी आप उसको दिखाइए, जांच और दवाई हमारी लीजिए।